ये बात सच है कि 19 के चुनाव में गठबंधन था, बसपा का, सपा का और आरएलडी का, तो वहाँ वोट कम मिले। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तब से ही जनता के बीच में हूँ, लोगों के बीच में हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ। यहाँ पे जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, वो जब उनका टिकट हुआ था वो तब दिल्ली में थे। और कमाल की बात क्या है, दुर्भाग्य देखिए अमरोहा का, ऐसे लोग आते हैं कुंवर और कंवर के नाम से, जो टिकट होने के बाद दिल्ली से बैठ के लैंड क्रूजर से आते हैं, हाथ हिलाते हैं और वापस दिल्ली चले जाते हैं। अभी आप पता कीजिए कंवर साहब कहाँ हैं, कुंवर साहब कहाँ हैं, तंवर साहब कहाँ हैं, दोनों तंवर कंवर साहब कहाँ हैं, जो अभी सांसद हैं मौजूदा वो कहाँ हैं, वो भी दिल्ली में हैं, जो अभी जिनका टिकट बीजेपी से हुआ है वो भी दिल्ली में, चुनाव दिल्ली में चल रहा है, अमरोहा में चल रहा है। जब जो कैंडिडेट, जो मौजूदा सांसद अगर चुनाव के समय में यहाँ पे नहीं है, जनता से क्या मिलेगा वो? हम चुनाव हारे, मैं कहना चाहता हूँ मौजूदा सांसद जी को भी और पूर्व सांसद जी को भी, कभी गया नहीं मैं कहीं, एक एक गांव के नाम पता है मुझे। आप पूछिए तंवर साहब से 20 गांवों के नाम बता दें, वो जो गांव गोद लिया है उसकी हालत क्या है, गुजरों में कितना विरोध है, किसी से बात की उन्होंने पिछले चुनाव हारने के बाद? और चुनाव क्यों हारे वो, मुझे मत काम आए मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जनता का मुझे प्यार बहुत मिला। इस तरह की बात, ये भाषा, घमंड झलकता है इसमें मुझे, और यही घमंड इनका वध करेगा, सर्वनाश करेगा, उखाड़ के फेंकेंगे इन्हें। गठबंधन प्रत्याशी का नाम जो है दानिश अली का चर्चाओं में है, आपका क्या टिकट हुआ, कुछ अमेंडमेंट हुआ? नहीं, दानिश जी हमारी पार्टी में नहीं, ये जस्ट एक अफवाह है और ये बीजेपी के लोगों के द्वारा फैलाई गई एक अफवाह है। दानिश जी यात्रा में थे, हमारी विचारधारा के साथ हैं, क्योंकि दोनों की विचारधारा सेम है। जो दानिश जी के साथ संसद में हुआ वो नहीं होना चाहिए। हमारे नेता राहुल जी वहाँ पहुँचे, उन्हें उनसे बात की और आज उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला होगा। मैं अपनी दावेदारी कर रहा हूँ और भी लोग दावेदारी कर रहे हैं, कुछ और भी रिज्यूम आए हैं मेरे पास, जो पहले बीजेपी से दावेदारी कर रहे थे वो भी हमारे साथ दावेदारी कर रहे हैं। बहुत सारे दावेदार हैं हमारे पास, कम से कम 37 से 38 दावेदार मेरे पास हैं जो असंतुष्ट हैं, सभी दलों के हैं। तो दावेदारी, देखिए लड़ाई बीजेपी से है, तो अगर मैं मजबूती से नहीं लड़ूंगा तो जीतेंगे कैसे? अभी कोई नया कैंडिडेट आ जाए, जिसको अभी ये कंवर और तंवर जी, कंवर जी और तंवर जी दोनों दिल्ली से आके चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सिस्टम चुनाव लड़ाएगा इन्हें, मशीन है इनकी, सरकार इनका, डीएम इनका, शासन इनका, प्रशासन इनका, और हिंदू मुसलमान का नारा इनका। दानिश जी को तो ये चाहते थे कि दानिश जी का नाम कह के वो कभी भारत माता के लिए उन्होंने ये कह दिया, मंदिर के लिए कह दिया, इनके पास कुछ है? बीजेपी के एक आदमी को 5 मिनट के लिए मेरे पास छोड़ दो कमरे में या डिबेट करा लो, अगर वो मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, पाकिस्तान, दंगे, इसके अलावा कुछ पता हो तो मुझे बता दो। दावेदारी कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं, बीजेपी से चुनाव है। जब दावेदारी मजबूत नहीं होगी, जब प्रत्याशी अनाउंस होता है उसको पता ही नहीं होता कौन सा काम है। मैंने 5 साल में बूथों पे काम किया है, हर गांव में मेरा बूथ बनाया है, हमने सिस्टम बनाया है। और देखिए अखिलेश जी का साथ मिला है और मैं चाहता हूँ ये साथ बना रहे लंबे समय तक, और हाईकमान अगर विश्वास करेगी तो मैं ये सीट, मैं दोबारा कह देता हूँ और इस बात को मैं कहता रहूँगा जब तक भी निर्णय होगा, 2 लाख वोटों से ज़्यादा से हरा के भेजूँगा यहाँ से। जनता बहुत नाराज़ है, बाहरी आदमी नहीं चलेगा यहाँ, इनके भी बहुत सारे पोस्टर लग रहे हैं आजकल, मैं कुछ गांव में निकलता हूँ तो इनका भी लोग तख्ती ले खड़े रहते हैं, दोनों तंवर जी का भी और कंवर जी का भी। देखिए आपको चुनाव लड़ना क्षेत्र में रहिए, क्योंकि चुनाव आप क्षेत्र से जीते। अब ये कोई कोई जहाज पे बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, कोई टैंकर पे बैठी है, कोई कोई तरीका है?